क्या इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अदनान को कॉल कर लो। मैंने फोन किया है मगर उसका नंबर बंद जा रहा है। अच्छा तुम बताओ, तुम किस रिश्तेदार के घर आई हो? आपा उनसे मेरी बात करवा सकती हैं आप? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ओए तू बात करा मेरी कुरुतुल्लाह से, बता। अब एक ही बार आएंगे दोनों, शादी के बाद दुआएं देना। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एक और फेवर कर दो। कैसी फेवर? क्या बात है अदनान, कोई खास बात है? हाँ भाई, ऐसी क्या बात है जिसको बोलते हुए तुम इतना हिचकिचा रहे हो? वकार, हम दोनों निकाह करना चाहते हैं, आज अभी और इसी वक्त। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स, लेकिन एक मसला है। वो क्या? यार हम निकाह तो करना चाहते हैं मगर तेरी मदद की जरूरत है, बल्कि तेरी मदद के बगैर हम निकाह कर ही नहीं सकते। मेरी मदद? हाँ तुम्हारी मदद, क्योंकि अदनान के घर वाले तो कभी नहीं मानेंगे और मेरे घर के हालात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो तो ठीक है नहीं, लेकिन इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम अपने पापा से बात करो तो शायद वो मान जाए और तुम्हारे घर हम निकाह कर ले। मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हारे अलावा हम किसको कह सकते हैं? तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वकार। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा यार, मुझे माफ कर दे। यार शर्मिंदा मत कर। शर्मिंदा तो मैं हूँ यार, जो हमेशा तुझ पे शक करता रहा। तुम अपनी जगह ठीक थे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता, लेकिन तुम मेरी जगह नहीं हो। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे क्या देख रहे हो? अदनान ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा अच्छा अब घर चलते हैं, पापा से बात भी करनी है और इंतजाम भी करनी है। चलें। चलो। पता नहीं बशीर कहाँ रह गया, मुझे बताया भी नहीं। कहने का फोन आया, उसने क्या कहा है? वो ठीक तो है ना? कहाँ थे तुम? क्यों? तुम क्यों पूछ रही? तुमने बताया क्यों नहीं? कहने का फोन आया था। हाँ वो मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम्हें किसने बताया? वो साथ वाली इफ्फत ने बताया, मुझे फिक्र खाए जा रही थी। क्या कहा है नीने? वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है। खुशी की खबर? हाँ खुशी की खबर। वो क्या? हमारी बेटी निकाह कर रही है। किससे? अकबर भाई से? नहीं नहीं नहीं, वो अपने पसंद के लड़के से। ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही? तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूं। नहीं जानते हो, तुम कह रहे हो कि एनी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही है, अकबर भाई से नहीं, और तुम खुश हो? थाना मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत सोचा, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम दोनों माँ बेटी के साथ बहुत ज्यादती की है, तुम्हें बीवी का हक कभी नहीं दिया, और एनी, एनी तो मेरा खून है, मेरी बेटी है, मैं उसी में दर बदर करती हूँ। इससे मुझे क्या हासिल हुआ? थोड़ा सा पैसा,
लानत है ऐसे पैसे पे जो मुझे मेरे अपनों से दूर कर दे। ये तुम कह रहे हो? जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल है। तुम बिल्कुल हक बजा रहे हो। तुम मुझे जितना बुरा भला कहो मैं उसका हकदार हूं। नहीं तारा, मुझे तुम्हारी कसम, मुझे वाकई एहसास हो गया और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे सुधरने का एक मौका नहीं दोगे? तुम पर कैसे यकीन कर लूं बशीर? आज तक तुम पर यकीन करने की सजा भुगत रही हूं मैं। लेकिन तारा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा शायद उन्हीं रास्तों में भटक जाऊं, फिर तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर ये भी तो सोचो कि हमारी बेटी की शादी है, मैं उसका बाप हूं, जैसा भी हूं। तारा, तुम सोचो कि अगर हम दोनों मिलके अपनी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत करें तो उसकी आने वाली जिंदगी कितनी कामयाब होगी। लेकिन बशीर, अगर तुमने फिर कुछ किया तो? तारा, मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सुधर गया हूं। और फिर हमारी एक ही तो औलाद है, मुझे उसकी फिक्र है, मुझे उससे मोहब्बत है। तो ठीक है बशीर, हम दोनों एक साथ चलेंगे। मैं वकार को फोन करती हूँ। वकार को? अरे वही जिसके घर हनी ठहरी हुई है। ठीक है, मुझे भी एक काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर में आया। कहाँ जा रहे हो तुम? तारा, हमारी एक ही एक बेटी की शादी है, उसके लिए मिठाई वगैरह ले आऊं? यकीन नहीं आ रहा बशीर कि तुम इतनी जल्दी इतना बदल जाओगे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द यकीन आ जाएगा। अभी आया। लोग बैठो, मैं पापा से बात करके आता हूँ। हाँ भाई, क्या बात करनी है पापा से? पापा आप? सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। पापा, ये मेरा दोस्त अदनान है। आपको मेरा नाम कैसे पता अंकल? बेटा, मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। बैठो। हाँ भाई वकार, क्या बात करनी थी तुमने? पापा, एक्चुअली ये दोनों निकाह करना चाहते हैं। तो भाई कर ले निकाह, दोनों बालिग हैं, इनका निकाह हो सकता है। पापा, मसला ये नहीं है। फिर क्या मसला है? एक्चुअली अंकल, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन मैं हनी से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, शादी तो तुम्हारी हो ही जानी है, ये बात तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बताते? ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी। मैं जानता हूँ अंकल, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। लेकिन बेटा, जानते हो इस किस्म की मोहब्बत की शादियों का अंजाम क्या होता है? मैं जानता हूं अंकल, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं हर हाल में हनी का साथ दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा इसे। और हनी बेटा, तुम
तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा मायका नहीं है। तुम्हें कैसे ससुराल जा रही हो जहां हो सकता है कि तुम्हें कोई कबूल ही ना करे। क्या तुम रह लोगी? अंकल, मुझे जिंदगी ने अभी तक कोई सुख नहीं दिया। बस एक मोहब्बत मांगी थी जो अदनान की सूरत में मिल रही है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। ठीक है बच्चों, अगर तुम यही चाहते हो तो भला मुझे क्या इतराज हो सकता है। वकार, तुम जाओ या फिर मौलवी साहब को ले आओ बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। भाई जी, बशीरा। हाँ बोला। सरकार। क्या बशीर? सरकार जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही किया। शाबाश, आज पहली बार दिल खुश कर दिया तुझे। सरकार अब क्या करेंगे? करना क्या है, उधर जाएंगे शादी पर और शादी रोक देंगे। लेकिन सरकार मैंने तो तायरा से कहा कि मैं उसके साथ शादी में जाऊंगा। हाँ तो जाके कोई बहाना बना देना और उसे पता मालूम करके आ जा। लेकिन सरकार। तो यार लेकिन लेकिन बहुत करता था वो, तो एनी का बाप ना होता तो सिर्फ 2% का बंदा था। सरकार माफ कर दे, मैं तो इसलिए पूछ पूछ के चलता हूँ, अगर बीच में कोई गलती होगी तो क्या होगा। तू जा पता लेकर आ बीवी से, बाकी मैं संभाल लूंगा, फिक्र ना कर। वो सरकार तारा बड़ी मुश्किलों से मैंने बनाया, वो उसको मुझ पर वैसे यकीन नहीं। हाँ तो यकीन कैसे हो सकता है, तू इस काबिल है? सरकार अगर उसको मुझ पर शक हो गया तो यही तो काम करना है तूने। वैसे सारी जिंदगी तुझे गुजारी कहते हैं, जो बंदा अपनी सकी बीवी को धोखा ना दे सकता हो वो किस काम का बंदा। ठीक है सरकार, जिस आपने कहा वैसे होगा, आप फिक्र ना करें। फिक्र ना करो, सारे जमाने की फिक्रें मुझको लगा दी, कहता फिक्र ना कर। चल जा तू फिक्र कर। अच्छा सरकार। मैं जानता हूँ अंकल, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक दूसरे का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हैनी, बेटा तुम तो खुश हो ना, मैंने तुम्हें बेटी कहा है और बेटी की खुशी ही मेरे लिए सबसे अहम है। जी अंकल मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक कसक है कि काश इस मौके पे मेरी अम्मी मेरे साथ होती। हाँ बेटा, वाकई ये मौका तो तुम्हारी अम्मी के लिए भी बहुत अहम है, मगर मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अंकल आपने और वकार ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप लोग ना होते मैं तो शायद मर चुकी होती। ना 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 ना, मेरा बच्चा ऐसे नहीं कहते भाई, तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो और अदनान तुम भी बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें एनी जैसी हमसफर मिली। जी अंकल। अच्छा बच्चों, मैं जरा एक फोन कॉल करके अभी आता हूँ।
जी। एक बात पूछूं? पूछो। कहीं तुम ये फैसला जज्बात में आकर तो नहीं कर रहे ना? क्यों पूछ रहे? अभी दो दिन पहले तक तुम अपने घर वालों के हाथों मजबूर थे, अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। फिर अचानक से क्या हुआ जो तुमने ये फैसला किया? मैं कभी जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करता। बहुत सोचा मैंने, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं किसी और से शादी कर भी लूंगा तो मेरे दिल में तो तुम ही रहोगी ना। बस यूं समझ लो कि दिल और दिमाग की जंग में दिल जीत गया। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो? हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं मना लूंगा। और तुम्हारी बहन के ससुराल वाले? असल परेशानी तो उन्हीं की है, फिर भी क्या कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर मान जाएंगे। अच्छा चलो छोड़ो, मैं नहीं चाहता कि शादी वाले दिन मेरी दुल्हन परेशान हो। वो मैंने बताना था, मौलवी साहब आ रहे हैं। बैठना। नहीं मैं पानी पी के आता हूँ। अच्छा रिलैक्स ना, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी इंसान की प्यास ऐसी हो जाती है कि जितना मर्जी पानी पी ले वो बढ़ती ही चली जाती। पापा। बेटा इसी तरह जिंदगी कुछ हकीकतें ऐसी हैं कि इंसान उनसे जितनी मर्जी चश्मपोशी करे वो बदलती नहीं। मुझे अपने बेटे पर फख्र है। मेरे बेटे ने अपनी खुशियां ऐनी की खुशी के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन बेटा अपने आप को संभालो। कितनी भी कोशिश कर लूं पापा, लेकिन हर वक्त हर जगह ये दिल ऐनी को ही पाने की ख्वाहिश करता। तो तुम ये बात ऐनी से कह क्यों नहीं देते? पापा मैं नहीं चाहता वो मेरे आसान तले दब के कोई फैसला करे। लेकिन बेटा अब इंतजार का वक्त खत्म हो गया है, ऐनी किसी और की होने जा रही है। मैं जानता हूँ पापा, लेकिन ऐनी की खुशी इसी में ही, वो अदनान को चाहती है और वो उसे मिल गया, तो मैं कौन होता हूँ दोनों के बीच में आने वाला। मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मुहैया कर दूं, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने में नाकाम हो गया। पापा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। मेरी खुशी ऐनी की खुशी में ही है, चाहे वो किसी और के साथ ही क्यों ना हो। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है, अभी तो मैंने आके बहुत पढ़ाई करनी है और शादी मेरी मंजिल नहीं है, और फिर मैं अकेला कहाँ हूँ, आप भी तो है ना मेरे पास। ये तो मुझे तसल्ली दे रहा है या खुद को? दोनों को। मेरा बेटा इतना समझदार होगा ये मैं नहीं जानता था। आखिर बेटा किसका? पापा मौलवी साहब आ गए हैं, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। ठहरो बेटा,
मैंने तुम्हारी माँ की शादी का जोड़ा संभाल कर रखा था, सोचा तो यही था कि वो अपनी होने वाली बहू को दूंगा, लेकिन अब वो जोड़ा तुम ऐनी को दे दो। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। थैंक यू बाबा। उस जोड़े की असल हकदार तो ऐनी है। कैसे? आंटी को मैंने यहाँ बुलाया था। थैंक यू वकार, थैंक यू सो मच। आज हम निकाह के लिए आपके यहाँ आए हुए हैं, और फिर उसे पता था कि आज हम उसके घर भी आ रहे हैं। उसको सर